बैग रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। तो मैं निकल रही हूँ पीजीआई, फिर वहीं से निकलूंगी आगे मुंबई। कौन मिला है पालू पालू छबे भी? गाइस ये जूस ले रही हूँ, ये मैंने लिए हैं अब भुने हुए। लंगर मेरा करने का मन तो था कि कड़ी चावल मैं खा लूं। कोर्ट के अंदर पहुंच गई थी गाइस मैं 2:30 बजे फोटोज क्लिक करने का, तो मेरा मूड 1% भी नहीं है गाइस। बाल मेरे लंबे लंबे लग रहे हैं मेरे को तो। ये इतना महायुद्ध पता नहीं क्यों छेड़ के रखा है इन्होंने एसी का। और गाइस बॉम्बे की खतरनाक बारिश। गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो ये दिल से आरवी कौर आपका वेलकम करती है आज के न्यू ब्लॉग में। जैसे आप देख ही रहे हो रेडी हूँ, बाल गिले हैं क्योंकि नहा के आई हूँ, क्योंकि जाना है, बैग रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, बस खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है। टाइम मेरे 8 AM हो रहे हैं, 8:30 बजे मेरी बस है। ये सब कि दुगल जी कह रहे हैं, मुझे याद नहीं है कि चंडीगढ़ के लिए बस कितने बजे, 7:45 होती थी उस जिस समय जाती थी, और ये कह रहे हैं 8:30 है, 7:45 का मेरे को मालूम है, बाकी का नहीं। तो मैं निकल रही हूँ पीजीआई, फिर वहीं से निकलूँगी आगे मुंबई। तो फिलहाल मैं नाश्ता कर रही हूँ, है ना। व्लॉग वगैरह मैंने 21 तारीख का पार्ट 1 तो अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 के लिए टाइम जाएगा क्योंकि बॉम्बे जाके एडिट करूँगी। तो जब मुंबई पहुँच चुकी होंगी तब वो ब्लॉग आएगा गाइस, यानी कि 23 तारीख को, और आज है 22 तारीख। ठीक है, चलो आगे की जर्नी पर बने रहें, आवाज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें क्योंकि ये ऊपर जाने की बजाय और दबती जा रही है, नीचे आती जा रही है। कल भी थोड़ा हैक्टिक हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा और वाट लगी हुई आज। मासी नाश्ता बना रहे हैं, धोनी चला गया अपने कैंप, यही पहना हुआ है मैंने रास्ते के लिए, कूल सा। चलो दुग्गल जी भी रेडी है छोड़ने के लिए मुझे, दुग्गल जी का आज डायलिसिस भी है। नहा लिए? नहा लिए? सो ये रही बस गाइस, जो कि 8:30 बजे नहीं चलती, 8:20 पे आई थिंक इसका टाइम है, जो कि मैंने छूटते छूटते पकड़ी है, बट पकड़ ली फाइनली। तो गाइस ये देखिए मुझे कौन मिला है, पालू पालू छबे भी। हेलो कर दो, कहाँ जा रही हो आप? मैम के साथ बॉम्बे ना? तो गाइस मैं साक्षी को बॉम्बे लेके जा रही हूँ, छज्जी गॉल फॉर्मेशन है। आज भी आपकी बिंदी गायब है, दिखाओ नील पेंट लगाई है, हाथ पे नहीं लगाई, पैर पे लगाई है, देखो पैर इसके छोटे बोटू से। बहुत क्यूट बेबी है ये। तो ये लोग अपने नाने हाउस जा रहे हैं गाइस, तो मुझे मिल गए ये, आगे बैठी हुई थी तो मैंने बुलवाया है इसको कि मेरे पास आ जा। ये देखो बैग बैग लादा हुआ है मैंने, बैग मेरा इतना बड़ा होता है क्योंकि रखने की जगह ही होती नहीं, इसलिए मैंने यही रखा हुआ। अब हम चंडीगढ़ तक दोनों साथ जाएंगे, है ना बेबी? आपकी तबीयत तो नहीं खराब होती बस में? मैम की तबीयत ऑलरेडी खराब है बेटा, बोलोगी कुछ? से समथिंग बोलो। बहुत बोलती है ये, अभी थोड़ा फ्लो में नहीं आ रही ना, जब व्लॉग बंद होएगा फिर बोलना चालू करेगी। चलो बने रहे। यस बेबी पायल, ये देखो जी पायल देख ली मैंने, वो बने रहेगा इस ब्लॉग में। गाइस बारिश आ गई हुई है बाहर, और बाहर के साथ साथ कुछ छींटे मेरे और साक्षी के ऊपर भी पड़े हैं, और साक्षी नॉन स्टॉप एक सेट ही नहीं लुक रहा मेरा बच्चा। और मैं इसको समझा रही हूँ कि तुम गुल्लक छोड़ के आ गई हो अपने पीछे, तीन तीन किसके भरोसे छोड़ के आ गई हो? अगर चोरी हो गई तो क्या कर लोगी बताओ, क्या करोगी फिर? सारी दौलत आपकी लुट जाएगी। चोर ले गया अगर कोई, फिर क्या करोगी तुम? चोर तो तोड़ देते हैं, खोलते नहीं है चोर, तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं अलमारी का लॉक। बता के थोड़ी ना आएगा आपके घर पे चोर कि मैं आ रहा हूँ, चोर तो अपने आप पहुँच जाते हैं। अब उनको लगेगा कि साक्षी तो घर पे है नहीं, मम्मा भी नहीं है साक्षी की, अच्छा मौका है फिर जाके गुल्लक साफ साफ की सारे पैसे गायब। बताओ फिर पार्टी कैसे करेंगे हम? रहते हैं। अच्छा हाँ, तो गाइस गॉसिप चलती रहेगी हमारी यहाँ। सो गाइस पहुँच गई थी मैं अपने हाउसिंग बोर्ड पे, फिर हाउसिंग बोर्ड से ऑटो लेके मैं पहुँची अपना पीजीआई,
और पीजे में तो गाइस अब देखते ही हो हमेशा आपको भीड़ मिलेगी। और मैं अपना ये बैग टांग के भैया थर्ड फ्लोर कभी फोर्थ फ्लोर ऐसे भटक रही हूँ, और बैग भैया बहुत भारी है ना। बट मुझे लगा कि मैं नीचे कहीं रख लूँगी, बट नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया, तो मैं साथ ही लेके घूम रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फाइल वगैरह जो डॉक्यूमेंट चेक करवाने थे वो चेक करवा के मैम ने बोला वेट करो। तो गाइस जिस काम के लिए आई थी, डॉक्टर से मिलना था, मिल रही हूँ डॉक्टर साहब से भी, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवानी थी, पीछे एक दवाइयाँ बंद करवाई हैं डॉक्टर साहब ने दुग्गल जी की, है ना। और एक मीटिंग थी जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे। अब वो मैडम जो हमारा केस हैंडल कर रही है वो है छुट्टी पे, और यहाँ पे दूसरी मैम आई है, इनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो उसने मुझे दोबारा बुलाया मीटिंग के लिए, है ना, क्योंकि पूरा चेकअप चेक करेगी, जो मैडम छुट्टी गई हैं उनसे सारी डिटेल्स पूछेगी, तो यहाँ पर दोबारा एक चक्कर लगेगा। फ़िलहाल 12:30 होने वाले हैं, वेट बहुत वेट करना पड़ता है, ऐसे चक्कर लगते हैं। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने बाहर, पीजी से बाहर निकल के बस स्टॉप पे, है ना। नाक मेरी बह रही है, कभी एसी कभी गर्मी, सर्द गर्म हो रहा है, तबीयत और बिगड़ती जा रही है। 1:15 तक पहुँचूँगी बस स्टैंड या 1:30 तक को, वहाँ से 1 घंटा फिर एयरपोर्ट के लिए, तो पहुँच जाऊँगी 2:30 तक आई थिंक एयरपोर्ट पे। फ्लाइट मेरी 4:40 की है। चलो गाइस ये जूस ले रही हूँ, ये मैंने लिए हैं भुने हुए चने और भुने हुए नट्स, पीनट्स, थोड़ी एनर्जी मिलेगी ना इनसे, और थोड़ा जूस। और आगे लंगर लगा हुआ है, कढ़ी चावल और पता नहीं कुछ, है ना, मतलब ये वैंस ही आई है कोई, वहाँ पे बोल रहे हैं खा लो, जाके देखती हूँ मूड बना तो खा लूँगी मैं अभी, है ना। अभी फ़िलहाल ये पी लेती हूँ, बैग मेरा ये रहा। गाइस बाहर बारिश शुरू हो गई थी, है ना, लंगर मेरा करने का मन तो था कि कढ़ी चावल मैं खा लूँ, कढ़ी चावल प्रसादा एंड दाल थी, और मैं चढ़ गई, बारिश हो गई थी शुरू, थोड़ा बैग भी भीग गया। गाइस पिछले आधे घंटे से मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर, 42 में पहुँच गई थी, है ना, वेट कर रही हूँ एयरपोर्ट की बस का, आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, बट अभी तक बस आ नहीं रही है। इससे अच्छा मैं कुछ खा ही लेती, बट मुझे लग रहा है कि वहाँ पहुँच ही जाऊँ, वहीं देख लूँगी कुछ खाने पीने का। तो लो जी कुछ खा भी लिया जी, पहुँच भी गए हैं जी एयरपोर्ट के अंदर, पहुँच गई थी गाइस मैं 2:30 बजे, टाइम अभी 3:04 हो गया है ना। भूख लगी हुई थी बड़ी तेज़, क्योंकि मेरे को PCM भी खानी है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे चाट लगी बैटर खानी की, थोड़ी बहुत सस्ती है खा लेती हूँ, सस्ती क्या वो भी 200 रुपये की इतनी सी चाट, जो हमारे नाहन में 30 रुपये की मिलती है। एयरपोर्ट पर चलो कॉस्ट नहीं मिलता है, कोई नई बात नहीं है। अब मेरे को जाना है गेट नंबर 9 पे, जो कि नीचे ही है, मुझे याद है गेट नंबर नीचे ही है, 9 नीचे ही है। तो करते हैं वेट, चाट वाट खा के पेट तो भरा नहीं, बट कोई बात नहीं, खाना बॉम्बे जाके ही खाऊँगी। ओके गाइस अभी नीचे कहाँ से जाना था वो भूल गई मैं, नीचे का जाना था, हाँ यहाँ से गेट नंबर 9 ये है। अभी टाइम बहुत है मेरे पास, जाके सो जाऊँगी नीचे, फ़ोन चार्ज करूँगी या फिर रील्स और फोटोज क्लिक करने का तो मेरा मूड 1% भी नहीं है गाइस। बाल मेरे लंबे लंबे लग रहे हैं मेरे को तो, है ना, एस्केलेटर्स, जब मैं छोटी थी तो मुझसे बोला नहीं जाता था, एक्सीलेटर बोलती होती थी मैं, एस्केलेटर्स नहीं बोलती थी। नाक वाक साफ करने जाना पड़ता है वॉशरूम में ना गाइस, बहुत और लगता है, इधर उधर लोग होते हैं, सूँ सूँ कर रही होती हूँ मैं, बट क्या करना, करना तो पड़ेगा ना, अभी लोग क्या सोचेंगे ये सोच के, गंदा तो नहीं रख सकते ना अपने आप। चलो नीचे दिखाती हूँ मैं, इधर जाना है जी मुझे, यहाँ वेट करना है जहाँ लोग बैठे हैं। यहाँ बैठ के वेट करेंगे जी, 3 बज गए हुए हैं, बता दिया था आपको मैंने, 4 बजे तक बोर्डिंग स्टार्ट कर देंगे आई थिंक, आधा घंटा पहले शुरू करते हैं ताकि पता नहीं लग पाए। मैं तो अपने सीरियल्स देखती हूँ जो मैंने पिछले 2 दिन से नहीं देखे ना, बिग बॉस के कुछ एक एपिसोड देख लेती हूँ, बीच में छोटी छोटी क्लिप्स आती है वो देख लूँगी बैठ के। हेडफोन लाना मैं भूल गई अपने एयरपॉड, वैसे सुनेंगे लोग भी सुनेंगे साथ में। गाइस टाइम मेरा इतना बज गया है, और मैं सोच रही थी यहाँ पे बैठ के आराम से सीरियल देखूँगी, टाइम पास हो जाएगा,
लाइट नहीं चल रहा, ना सो पा रही, ना जग पा रही, ना फोन चला पा रही। गाइस 4:30 हो गए, अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ मुंबई में बारिश हो रही है, इस करके फ्लाइट पीछे से ही डिले है। जो मुंबई से आएगी ना, मुंबई से जो फ्लाइट आती है वही वापस मुंबई जाती है। गाइस डाउन डाउन होते जा रहा है। तो गाइस 5:04 यही हो गए, अब बैठे हैं फ्लाइट में जाके इतनी देर के बाद, जबकि 4:40 पे इसके उड़ने का टाइम। इतना महायुद्ध पता नहीं क्यों छेड़ के रखा है इन्होंने एसी का, इतनी धुंद क्यों कर दी है भाई। पता नहीं पहुंची कितने बजे। With or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable. पहुंच गई हूँ वापस अपने पुराने होटल में, और बाय चांस ही ये रूम मुझे हमेशा मिल जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम आई थी तो एक दिन के लिए नहीं मिला था, बट अब के बार मुझे मिल गया हुआ है ना। और व्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत गंदे वाली। आके सबसे पहले रूम वूम का देखा, फिर नहाना धोना किया, और नाक भी मेरी लाल हो गई है। जो मुझे ठंड लगी है ना भाई फ्लाइट में, आई कांट टेल यू, इतनी ठिठुरती आई हूँ मैं, क्या ही बोलूं। और इन लोगों से 2 बार चाय मांगी, इन्होंने चाय दी नहीं तो दी नहीं मुझे, क्योंकि मौसम खराब था तो सर्व वगैरह नहीं करते उस टाइम पे फ्लाइट में ना, मतलब खाना पीना नहीं करते, सर्व नहीं करते, तो ऐसे कुछ रूल्स रहते हैं। तो ये रूम देख लो जी मेरा, बाहर का भी आपको दिखा देते हैं, जो कि मैं भी मिस करती हूँ कई बार। बारिश अभी भी चालू है। हाँ और गाई, जब मैं आई थी ना गंदे वाली बारिश थी, गंदे वाली। अब तो थोड़ी मुझे लग रहा है कम है, आवाज़ आ रही है बट हल्की हल्की। ये व्यू मैं हमेशा मिस करती हूँ बाहर वाला। चलो, खाना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, गर्म पानी में नहाई हूँ मैं आके। सबसे पहले तो आके चाय पी, रिसेप्शन में पी रही थी कि जब तक बुकिंग चल रही है चाय पी लेती हूँ, है ना। और खाना भी मंगवाया हुआ है, मे बी 15-20 मिनट में आ जाएगा। तो उससे पहले भी ब्लॉग एंड कर रही हूँ, कल के ब्लॉग में आपको वापस मिलूँगी, और बने हैं आप आगे के भी ब्लॉग्स में। ठीक है, और ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत है नहीं, गला मेरा पूरा बैठ गया हुआ है। नहान कह रही हूँ, बॉम्बे आते ही बरसात ने स्वागत किया है। हम बोल रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा, और बरसात कर लिया स्वागत। नहान में इतनी बारिश नहीं हो रही, इतनी यहाँ बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है यहाँ पे, ऐसा सुनने में आया। चलो गाइज, बाय, ध्यान रखो, शब्बा खैर।